पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी ग्रुप में ही, पहले की दो आई गेस ग्रुप में आपके आगे होंगे, सेंड कर दीजिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया होगा, इसमें सारे PYQs है, SSC एंड NTPC, डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, इवन कुछ UPPCS वाले भी हैं। तो दो इसमें क्लासेस हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है, 41 से 60 क्वेश्चन तक हम करेंगे। एक क्लास में भले ही क्वेश्चन हम 20 डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन में हम 5 या 6 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली अगर आप एक क्लास को अटेंड कर रहे हो, 20 MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट्स के देखो या कॉन्सेप्ट देखो तो लगभग 5 टाइम आप मान के चलिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हिंदी में भी है, कुछ लोगों को हिंदी में चाहिए। तो द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे एक जिक्र किया गया है फाइनेंस कमीशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया गया है और पूछा गया है वो किस आर्टिकल में है। तो पहली बात, ऑल ऑफ यू शुड नो व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, पता है कोई डिफाइन करेगा व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट में से कोई? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान होता क्या है, हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, एनीथिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी भी एक सोसाइटी को चलाने के लिए वी नीड अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। अगर सेट ऑफ रूल्स नहीं होगा तो इट विल क्रिएट केओस। फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट साइड पे चल रहा है कार ड्राइव करते हुए, राइट साइड पे चल रहा है, ये भी क्या है, डिसाइडेड बाय अ लॉ। आई विल टेल यू, देयर इज अ, आई डू नॉट नो दैट्स अ जोक और रियल में था, बट ये एक मीम पे था। तो उसमें था कि इंडियन पेरेंट्स जाता है और वो US में अपने बेटी के यहाँ पे जाता है और वो बाहर ड्राइव करने निकल जाता है, तो थोड़ी देर के बाद उसकी बेटी का फोन आता है, पापा बी कॉशियस, देयर इज अ मैन ऑन दिस हाईवे जो रॉन्ग साइड पे कार चला रहा है, तो थोड़ा संभल के कार चलाना। तो वो बेटा, पिताजी बोलता है अपनी बेटी से कि बेटा एक नहीं है, यहाँ पे सारा का सारा हाईवे रॉन्ग साइड पे चल रहा है, मतलब वो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग चल रहा था, वहाँ पे जाता है उल्टा है, तो वो इंडिया के हिसाब से सही चल रहा है लेकिन वहाँ के हिसाब से रॉन्ग साइड पे चल रहा है। तो इसी तरीके से हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर देश के अपने रूल्स हैं, उससे वो देश चलता है। इसी तरीके से हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन के बारे में जिक्र है आर्टिकल 280 में, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन जो भी है वो सॉल्व हो जाता है। अब आगे चलते हैं, मेरे 5 मिनट तक यही सेकेंड जॉब रहने वाली है। हाँ बेटा, तुमने तो गारंटी ले रखी है कि टाइम से नहीं आओगे। आइए, तो सबसे पहले देखते हैं फाइनेंस कमीशन है क्या। ओके, और फाइनेंस कमीशन से पहले मैं ये तुम्हें 2-3 न्यूज़पेपर्स की कटिंग दिखाता हूँ, सो दैट ये आपकी समझने में मदद करेगी। ओके, फाइनेंस कमीशन है क्या, ये करता क्या है। सो ये है, कौन से न्यूज़पेपर में थी, चलो काट दिया मैंने, कोई नहीं, देखना। हाउ 15 फाइनेंस कमीशन इज ट्राइंग टू मैनेज साउथ इंडियाज एंगर ओवर टैक्स डिविजन। क्या मेंशन है हिंदी में, अगर आप इसको पढ़ेंगे कि 15वां फाइनेंस कमीशन कैसे सदर्न इंडिया की जो एंगर है उसको मैनेज कर रहा है, किस मुद्दे पे सदर्न इंडिया नाखुश है, टैक्स डिवीजन को लेके। ओके, तो फाइनेंस कमीशन ये करता क्या है, हमारे देश में आप देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स आता है उसका कुछ पोर्शन उसे राज्य सरकारों को देना होता है। अब ये पोर्शन कितना हो, 20% हो, 30% हो, 40% हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फिक्स नहीं किया, ठीक है। अब बात सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टोटल टैक्स कलेक्शन का कितना प्रतिशत राज्यों को देगी ये कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स आता है उसका कितना पार्ट वो राज्यों को देने वाले हैं, दिस इज डिसाइडेड बाय फाइनेंस कमीशन। ओके, नाउ यू कैन टेल मी कि यहां पे मैंने जिक्र किया दिस, ये 15वां फाइनेंस कमीशन था, इसका मतलब कि आजादी से लेके अब तक 14-15 बार जो टैक्स सेंट्रल राज्य को देती है वो बार बार क्या होता जा रहा है, चेंज होता है, ठीक है। तो ये 15वां फाइनेंस कमीशन था, इसकी रिकमेंडेशंस लागू हैं 2020 से पहले 21 तक थी, और क्योंकि वो एक कोविड ईयर था, जनरली इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो 5 साल के लिए लागू होती हैं, बट क्योंकि 2021 कोविड ईयर था तो इसकी 1 साल के लिए पहले लागू कर दी गई, बाद में 21 से लेके 26 तक हैं। अब आप देखिएगा 2021 से लेके 2026 तक, आज हम 2023 में खड़े हैं, 23 में सॉरी, अगले 3-4 साल तक कितना टैक्स सेंट्रल स्टेट को देने वाली है, जो किसने रिकमेंड किया था, 15 फाइनेंस कमीशन ने। अब 2026 के बाद क्या होगा, एक और फाइनेंस कमीशन आएगा, जैसे पहले 15वां था तो 2026 के बाद क्या आने वाला है, 16 फाइनेंस कमीशन आने वाला है। एंड देयर इज ऑल्सो अ न्यूज रिगार्डिंग दिस, अभी ये सितंबर की न्यूज है, पिछले महीने की न्यूज है, पढ़िएगा, 16 फाइनेंस कमीशन एक्सपेक्टेड टू बी सेटअप बाय द एंड ऑफ द नवंबर। किसने बोला है, फाइनेंस सेक्रेटरी ने, तो उन्होंने ये बोला है नवंबर के महीने तक क्या सेटअप हो जाएगा, 16वां फाइनेंस कमीशन, जो ये बताएगा कि सेंटर कितना टैक्स स्टेट को देगी,
और वो उसकी रिकमेंडेशंस कब से लागू होंगी, 2026 से, 2026 से अगले 5 साल तक, फिर ऐसे ही 17वां 18वां ऐसे ही हमारा देश चलता रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन रखना है, क्या ये क्वेश्चन आ सकता है कि 15वें फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? यस, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो 15वें फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? एनके सिंह, ठीक है। और 16 फाइनेंस कमीशन अभी अपॉइंट होने वाला है, तो लेट्स सी इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, रेशो इनविच टैक्स इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर एडवांस आप स्टेज पे देखें तो आपको पता चलेगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे देश में जो पावर का डिवीजन है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे ज्यादा टैक्स लेने की पावर किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। नाउ व्हाई इज सो, क्यों हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना पावरफुल रखा, स्टेट को हमने इतने टैक्स लेने की पावर क्यों नहीं दी? एनीवन ट्राई टू आंसर इट, कुछ हो तो? ऐसे तो राज्य के पास भी पुलिस होती है, ऐसा नहीं है, सुनिएगा, मतलब ये वाला लॉजिक सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश है, अगर आप चाइना को देखें वहाँ पे राज्य ज़्यादा पावरफुल है, अमेरिका में भी अगर आप देखते हैं राज्य ज़्यादा पावरफुल है, इवन अमेरिका के राज्यों के पास ही अधिकार है अपने लोगों को नागरिकता देने का। आप अगर देखोगे ना अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, मतलब अगर आप अमेरिका की नागरिकता लोगे, एक तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी यूएस की और बाकी मिलेगी किसी राज्य की, यू माइट बी अ सिटीजन ऑफ वॉशिंगटन, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, शिकागो। हमारे देश में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे देश में सिटीजनशिप कौन देता है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो वहाँ पे राज्य ज़्यादा पावरफुल है। अब हमारे देश में देखिए दिक्कत क्या थी, जिस समय हमारा देश बना उस समय हमारे देश में बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट थे, देश की यूनिटी को लेकर खतरा था। अगर आप देखेंगे उस समय जब विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, उसके बाद कश्मीर का एक मुद्दा गड़बड़ा गया, उसके बाद अगर आप देखेंगे हैदराबाद का मुद्दा गड़बड़ा गया, इवन सदर्न इंडिया में बहुत सारी काइंड ऑफ सेपरेटिस्ट टेंडेंसी थी, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी दिक्कतें थी। तो ऐसे में इन्होंने राज्य सरकारों को किस पे डिपेंड कर दिया? सेंटर पे, सेंटर को ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया। और सेंटर कितना टैक्स कलेक्शन स्टेट को देगी वो कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो यू शुड नो, ये तो MCQ हो ही गया। उसके बाद हमने 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा है टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और हमने आने वाले 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, इन विच ईयर दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली कब से देश की कैपिटल बनी? ये अगेन अब एक मुद्दा है, इससे पहले हमें देखना होगा हमारे देश की थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। तो हमारे देश में ब्रिटिशर्स आते हैं, किस डेट को ब्रिटिशर्स आते हैं कोई बताएगा? डू वी हैव एनी डेट जिस डेट से हम बोलते हैं ब्रिटिश रूल हमारे देश में एस्टेब्लिश हो गया? क्या कोई डेट है? हम नॉर्मली जनरली बैटल ऑफ प्लासी से हम मानते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में, ठीक है। इसके बाद अगले 100 साल तो हमें समझने में ही लग गए और यूनाइट होने में लग गए कि किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है। उसके बाद पहला जो हमारा एक आज़ादी का आंदोलन हुआ वो हुआ रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। और उसकी शुरुआत अगेन दिल्ली NCR के पास से हुई, मेरठ से रिवॉल्ट ऑफ 1857 की स्टार्टिंग होती है, और फिर अगेन दिल्ली में बगावत होती है, ये चलता है। उसके बाद अंग्रेज इस बगावत को शांत कर देते हैं, ठीक है। अब आगे अगर चलते हैं तो एक बड़ा मूवमेंट हुआ 1905 के पार्टीशन के बाद। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा जितनी भी नेशनलिस्ट एक्टिविटी है वो बंगाल में हो रही है, बंगाल में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं, अंग्रेजों की पॉलिसीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि आप ऐसा गलत कर रहे हैं। तो 1905 में बंगाल एक मानिए हॉटबेड था आज़ादी के आंदोलन का, फ्रीडम फाइटर्स का। तो इनको लगा अगर हम बंगाल में ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दें तो ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, हैंस ये लोग आपस में ही लड़के वीक हो जाएंगे और कभी भी यूनाइटेड इंडिया के लोग हमारे सामने खड़े नहीं हो पाएंगे आज़ादी के डिमांड के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, बोलते तो ये कुछ और थे, ऑफिशियल रीज़न तो इन्होंने कुछ और दिया था, लेकिन धर्म और भाषा के आधार पर ये बंगाल को डिवाइड कर देते हैं और 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है। अगेन जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब बंगाल के पार्टीशन के बाद हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का क्या रिस्पॉन्स होता है? तो हम एक आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, और इसमें लीडर होते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। उनको ये लगता था कि अब टाइम आ चुका है देश की आज़ादी का और हम स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट करके देश को आज़ाद कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप उस समय की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कांग्रेस में दो विचारधाराएं थी, कांग्रेस में भी एक इंटरनल डिवीज़न था। एक थे आपके बाल गंगाधर तिलक और स्पेशली लाल बाल पाल, जो ये बोलते थे कि समय आ चुका है। समय किसका आ चुका है? एक बड़ा आज़ादी का आंदोलन स्टार्ट करने का। और पूरे देश में बंगाल, देखो बाल गंगाधर तिलक की आर्ग्यूमेंट ये थी कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे देश के लिए अच्छे हैं,
आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज आप मतलब आज सारे लोग ये समझते हैं कि सारे लोगों को उस समय ये लगता होगा कि अंग्रेजों को भगाइए, ऐसा नहीं था। हमारे देश के बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि अगर अंग्रेज हमारे देश में रहेंगे हमें मॉडर्नाइज कर देंगे। अंग्रेज हमारे देश में रहे, इवन आप देखिएगा 1929 आज़ादी से सिर्फ 17-18 साल पहले हमने पहली बार ये बोला कि अंग्रेजों को इस देश से किकआउट करना है। उससे पहले तो कभी हम किकआउट के बारे में कैटेगोरिकली नहीं बोलते थे, इनडायरेक्टली बोलते थे। तो सारे देशों की जितने भी लोग थे उनके आम सोच नहीं थी। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को लगा कि भाई समय आ चुका है, बंगाल के विभाजन ने अंग्रेजों का असली करेक्टर हमें शो कर दिया है कि ये हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये डिवाइड एंड रूल के लिए है, हमें बांटेंगे और ये हमारे ऊपर रूल करेंगे, ठीक है। तो बट जो कांग्रेस थी उस समय की वो ये सोचती थी कि बात तो ठीक है बट अभी हमारा देश एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी आंदोलन लॉन्च कर देते हैं और 1907 में सूरत में सेशन होता है जहाँ पे कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड होती है और बाल गंगाधर तिलक आपकी पार्टी छोड़ देते हैं। अब सुनिएगा, अब इसमें हुआ क्या, कांग्रेस के जो दोनों ग्रुप थे, एक ग्रुप ने दो ग्रुप में कांग्रेस बट गई, एक ग्रुप सरकार के अगेंस्ट था, सरकार उन्हें अरेस्ट कर लेती है और जो दूसरा ग्रुप था वो इतना पॉलिटिकली कोई मेजर एक्टिविटी नहीं करता था, वो बातचीत में ज़्यादा विश्वास रखता था। तो हमारे देश में 1907 के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन कर लिया। इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन समझ में आ रहा है, डीएम को बॉम्ब से उड़ा दिया, गोलियां मार दी, मतलब अपने स्तर पर उन्होंने आज़ादी की लड़ाइयाँ स्टार्ट करी। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को लगा कि बंगाल के पार्टीशन के बाद, स्वदेशी मूवमेंट के बाद, सूरत स्प्लिट के बाद, ये जो कलकत्ता है ना ये पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, यहाँ पे आपके लिए खतरा है, इसलिए कैपिटल को उन्होंने कहाँ पे शिफ्ट किया, दिल्ली में शिफ्ट किया। डेफिनेटली उन्होंने जो ऑफिशियल आर्ग्यूमेंट दी होगी वो कुछ और दी होगी, ठीक है। तो किस ईयर में किया, 1911, ठीक है। तो 1911 से पहले ये आपका, अच्छा 1911 में डिसीजन लिया, एक्चुअल होने में तो टाइम लग गया, फिर उन्होंने नई दिल्ली बनाई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, नई दिल्ली बन के दी, ये जितना भी आप सीपी वगैरह है ना सेंट्रल दिल्ली देखते हैं तो बाद में बना, वो 1911 में इन्होंने डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो यू शुड नो 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, देन स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, देन सूरत स्प्लिट, सूरत में कांग्रेस दोबारा में, ये वहां की एक्चुअली मेजर सूरत की। ओके नेक्स्ट, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को पढ़ो एंड लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे। पढ़िए, थोड़ा बहुत तो आपको पॉलिटी का ज्ञान हो गया। ये सारे PYQs है, सब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए, कीजिए आंसर, ट्राई कीजिए। ओके, क्वेश्चन समझ में आया, किसके द्वारा स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्ट होता है। सबसे पहली बात, क्या स्पीकर, जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसका नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है या चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। अब इस क्वेश्चन में लिखा है इलेक्शन, तो डेफिनेटली इलेक्शन होता है, बट यहां पे एक कैच है, राज्यसभा का जो बंदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं चेयरमैन। याद रखिएगा, चेयरमैन के पद की कोई इलेक्शन नहीं होता है, जो भी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के चेयरमैन की पोस्ट पे जो बंदा बैठा हुआ है वो इलेक्शन लड़के नहीं आया है। हाँ, ये बात है कि वो उसने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा है बट उसने उस चेयरमैन की पोस्ट के लिए कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है। अब जब आप लोकसभा के स्पीकर की बात करते हैं तो अभी हमारे लोकसभा के स्पीकर है मिस्टर ओम प्रकाश बिरला जी, और अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा से, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, राजस्थान में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है कोटा बूंदी, कोटा सुना है ना, कोटा डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने सुना होगा, वहां से ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के लिए। तो आप सुनिएगा, 2019 में लोकसभा के मेंबर बने एंड लोकसभा के मेंबर बनने के बाद अब होता क्या है, 543 नए मेंबर आए होंगे। अब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी है वो अपने किसी एक एमपी को खड़ा कर देती है और उस एमपी को खड़ा करके लोकसभा के एमपी से ही वोट डलवाती है। तो नॉर्मली जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है, सबसे ज्यादा जिसके पास सीटें होती हैं, जिसकी सरकार बनती है, उसी का क्या बन जाता है, स्पीकर बनता है, ठीक है। तो लोकसभा के जो भी स्पीकर होते हैं, स्पीकर बनने से पहले उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ होता है और वो क्या बनते हैं, एमपी, कौन से हाउस के, लोकसभा के। और बाद में जो भी पार्टी सरकार बनाती है अगर उनकी पार्टी को लगता है तो वो उनको क्या बना देते हैं, स्पीकर बना देते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया है सो दैट अब आप ऑप्शंस में कंफ्यूज ना हो। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर,
ऑल दी मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ओके सी तो होगा नहीं, पीपल ऑफ इंडिया तो हमारे देश में इवन पीएम को भी अपॉइंट नहीं करते हैं, बी ऑल दी मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि राज्यसभा आ गया, राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं है, और ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? उसमें राज्यसभा ही है, ठीक है। बट बात पता है क्या है, अभी तुम एकदम चिल माइंड से बैठे हो, अभी डिफरेंशिएट कर पाते हो, लेकिन जिस दिन एग्जाम कंडीशन में हो, प्रेशर में हो, तो उस दिन तुम्हें एमसीक्यू नहीं दिखेगा, उस दिन तुम्हें दिखेगा ये मेरी लाइफ है। अगर ये एमसीक्यू खराब हो गया तो मेरी लाइफ, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ का एक साल और गया, तो इसीलिए वहाँ पे लोग नर्वस हो जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, मॉक देने हैं, सो दैट वो टेंशन ना हो। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है। नाउ विच सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन सॉइल, ओके इसको बाद में देखेंगे, पहले बताइए आपने इनमें से कौन कौन सी मिट्टी देखी है? रेड सॉइल देखी है? रेड सॉइल, कोई सी भी सॉइल नहीं देखी। चलो एलुवियल सॉइल देखी है, ये जो अभी दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये जो प्लेन एरिया में सॉइल मिलती है, कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल है, दुनिया की ये सबसे फर्टाइल सॉइल है, मतलब इससे ज्यादा कोई फर्टाइल सॉइल है ही नहीं। ओके, यहाँ पे अभी इन्होंने बात की है कि कौन सी सॉइल कॉटन की कल्टिवेशन के लिए बेस्ट है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल बोलते हैं, और उसका एक लोकल नेम है, वो क्या है? रिगुर सॉइल। तो रिगुर सॉइल और ब्लैक सॉइल, ये याद रखिएगा। अभी सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, आ जाइए, ये तो एक छोटा सा एमसीक्यू है, मैं आपको इतनी ज्यादा और अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ये तो याद ही रहेगा। सो अच्छा, ये आपको क्लियर दिख रहा है? ब्राइटनेस कम ज्यादा करूं, दिख रहा है बिल्कुल अच्छे से? ठीक है, ओके। सो आपने कभी किसी मिट्टी में ऐसे क्रैक देखे हैं? यहां पे आपको देखने को नहीं मिलते। अब सुनिए, ब्लैक सॉइल कैसी होती है? यहां की तो मिट्टी आप सभी लोगों ने देखी हुई ना, दिल्ली एनसीआर वाली। इस मिट्टी को आप लो, और आपके घर में फ्लावर पॉट भी होगा, आपने मिट्टी देखी होगी, अगर आप एक दो महीने तक उसमें पानी ना डालो, सिचुएशन क्या होती है? ड्राई हो जाती है वो। क्या वो रेत में बन जाता है? रेतीली हो जाती है, कि तुम मिट्टी उठा रहे हो पूरा रेत हाथ में आ रहा है? नहीं है, वो हार्ड हो जाती है। ओके अच्छा, अगर हार्ड होने के बाद मान लो तुम उसको एक साल और सूखा धूप में छोड़ दो, धूप ही धूप है, बारिश वारिश कुछ नहीं है, फिर क्या होगा? हार्ड होने के आगे की स्टेज क्या होगी? क्या, अरे हार्ड है, गमले को पानी नहीं दिया, एक साल तक वो धूप में ही रखा है, सिर्फ धूप में, पानी नहीं आ रहा है, कोई मॉइस्चर नहीं है, तो कितना हार्ड होगा वो? क्या मार्बल बन जाएगा? क्या होगा फिर? कितना, क्या लाइंस आएंगी, क्रैक आएंगे, और धीरे धीरे करके वो सैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा रेत होता है ना वैसा हो जाएगा। अब सुनिएगा, इस एलुवियल मिट्टी की क्या खासियत है? अगर आप इसको पानी नहीं देते हो, तो इसकी ऊपर की लेयर ड्राई होती है और सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, क्रैक डेवलप हुए और सॉइल में डेवलप हो गए, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा गहरा खोदेंगे तो नीचे क्या एब्जॉर्व करके रखती है? पानी एब्जॉर्व करके रखती है, समझ में आया ना? हमारे यहाँ वाली एलुवियल सॉइल में क्या होता है, अगर ऊपर से हार्ड होती है, नीचे एक फुट तक हार्ड हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ऊपर की परत हार्ड होती है और धीरे धीरे करके वो सैंड में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, उसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। तो इससे आपको एक फीचर समझ में आया, ये मॉइस्चर को लंबे समय तक रिटेन करके रखती है, इसी कारण दिस इज बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ठीक है, तो इस सॉइल को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल। नाउ यू वांट टू नो कि इसको जानना चाहोगे देश के किस रीजन में मिलती है, तो ये हमारे देश के रीजन में मिलती है। सो दिस इज आपके, ये मिलेगी महाराष्ट्र में, मिलेगी गुजरात में, मिलेगी एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ कर्नाटका में, मिलेगी एंड सदर्न पार्ट ऑफ एमपी में मिलेगी। ठीक है, नाउ ये वॉल्केनिक, ये काली मिट्टी बनी कैसे होगी, आई कैसे होगी? डेफिनेटली कभी हजारों लाखों साल पहले यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, लावा हुआ होगा, और वो लावा एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करके क्या बन गया? सॉइल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डन, तो ये याद रखिएगा। ओके, देयर वॉज ऑल्सो एमसीक्यू, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एसएससी में आया था, आई गेस 17-18 में वो एमसीक्यू आया था, इसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हो। सो क्वेश्चन वॉज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिसके सदर्न पार्ट में तो ब्लैक सॉइल है और नॉर्थ पार्ट में एरिड सॉइल है, रेतीली मिट्टी है। सदर्न पार्ट में क्या है? ब्लैक सॉइल, और नॉर्थ पार्ट में एरिड सॉइल, रेतीली मिट्टी। ओके, नाउ ऑप्शन था महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश। 10 सेकेंड सोचना, 20 सेकेंड सोचना, फिर आंसर देना। सबको आंसर देना बेटा, बताओ। अच्छा, महाराष्ट्र क्या होगा? नॉर्थ और साउथ दोनों में है। व्हाट अबाउट कर्नाटका? कर्नाटक के नॉर्थ में काली मिट्टी है, तो ये बात तुम्हें समझ में आएगी, दो में ही फंसोगे, या तो गुजरात में या मध्य प्रदेश में। एरिड, रेतीली मिट्टी कहाँ पे मिलेगी? रेतीली, रेगिस्तान में, और रेगिस्तान आपको नॉर्थ में कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में तो है नहीं, नहीं है। कहाँ पे है? गुजरात में। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? कच्छ क्या है? एक छोटा डेजर्ट ही है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या था? गुजरात।
ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब एक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे देखिएगा, ये भी अगेन था न्यूज़पेपर में ही था, न्यूज़पेपर का नाम है बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज़ थी, कब की थी पता नहीं। बीटी कॉटन डबल्ड प्रोडक्शन सिंस 2002, मिनिमाइज्ड हार्म बाय पेस्ट गवर्नमेंट। ओके, ये क्या बोल रहा है? सो मैं यहाँ पे आपको एक फैक्ट इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा था, ये जो बीटी, ये जो कॉटन है ना, एक तो नॉर्मल कॉटन का बीज होता है, ये नॉर्मल नहीं है, ये जो कॉटन का बीज है ना, कॉटन का पेड़ है, इसके जीन्स को हमने मॉडिफाई कर दिया है, और इसका पूरा नाम क्या है, बीटी कॉटन। तो पहले वाला जो कॉटन था ना, उसके पेड़ में पेस्ट लगता था, अब हमने क्या किया, उसके जीन्स को मॉडिफाई करके उसको पेस्ट प्रूफ बना दिया। कैसे किया, साइंस एंड टेक में कभी पढ़ेंगे। तो ये जो बीटी कॉटन है, जब से हमने इसको यूज़ किया है, पहले वाले पे पेस्ट अटैक होते थे, इस पे नहीं होते हैं, तो इससे प्रोडक्शन क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फैक्ट, बीटी कॉटन हमारे देश में पहली ऐसी क्रॉप है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसको हमने परमिट किया है। दूसरी कोई भी ऐसी क्रॉप नहीं है हमारे देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको हमने परमिट किया। ठीक है, तो लिखिएगा, बीटी कॉटन इज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। बीटी कॉटन इज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, परमिटेड बाय इंडिया। ठीक है, इसके अलावा स्टार मार्क करके दो तीन चीजों के बारे में और आप पढ़ना, ये भी न्यूज में है। एक है बीटी ब्रिंजल और एक है जीएम मस्टर्ड। बीटी ब्रिंजल, ब्रिंजल क्या होता है, बैंगन, एंड जीएम मस्टर्ड, इन दोनों के हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बना लिए। बट बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट ये बोल रहे हैं कि कुछ होना जाए इकोलॉजी फूड वेब में, तो अभी इनको हमने लीगली परमिट नहीं किया है। ठीक है, तो दो और क्रॉप है बट बाकी को लीगली परमिटेड नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट लिख लेना, साइंस एंड टेक का कॉन्सेप्ट है, डिजाइनर बेबीज। आप में से कोई ये बंदा बताएगा व्हाट आर जीन्स, 8th क्लास बायोलॉजी, अगर ना बता पाओ तो अपने आप पे थोड़ी सी यू नो 8th क्लास की बायोलॉजी है, जीन्स क्या होते हैं। आपने सुना है कोई बोल रहा है कि तेरे जीन्स अच्छे हैं, सुना है? ओके, ठीक है, बिल्कुल इन्होंने सही बोला है। आप देखिए, हमारा फिजियोलॉजिकली जो भी एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल हमारा स्किन टोन क्या है, हेयर का टेक्सचर क्या है, आई का कलर क्या है, एवरीथिंग दिस इज डिसाइडेड बाय अवर जीन्स। ओके, अब हम ह्यूमंस ने जीन्स को मॉडिफाई करना सीख लिया, समझ में आए? मान लो कि तुम्हें ब्लू आइज चाहिए, तो तुम क्या करोगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आइज ब्लू है, तो उसका जीन निकालोगे और अपने जीन में इंसर्ट करा लोगे, इसको बोलते हैं जीन एडिटिंग। तुम क्यों हंस रही हो, चाहिए कुछ तो चाहिए होगा ना तुझे, हर बंदे को कुछ चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हाइट थोड़ी सी और बढ़ जाए, तुम में से तुम सब लोगों का कुछ ना कुछ तो होगा ना, नहीं है तो झूठ बोल रहे हो, है कुछ और नहीं है, बाल लंबे होते, हाइट ज़्यादा होती, कॉम्प्लेक्शन डार्क होता या वाइट होता, मेरे हैंड थोड़े और बड़े होते, बाइसेप्स बड़े होते, कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खुश हो, ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे हैं। बाकी लोग खुश हो या खुश हो गए हो कि कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जो भी है चलो, तो यहाँ पे तुम जीन एडिटिंग कर सकते हो। ओके, नाउ क्या मॉडर्न साइंस ऐसा कर सकती है डिजाइनर बेबी, कि पापा बोल रहे हैं मेरे बच्चे की आइज ब्लू हो, मम्मी बोल रही हैं कि इसके हेयर कर्ली हो, थियोरेटिकली दिस इज पॉसिबल। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिजाइनर बेबीज। ठीक है, ये बस साइंस एंड टेक का थोड़ा सा पार्ट है, एक टर्म याद रखना। ओके, हो गया, ये ब्लैक सॉइल वाला आंसर है इसका, रिकॉर्ड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, इनको है ना आई गारंटी की अगर तुम इनके है ना पॉइंट्स बना के लिखोगे ना, आराम से 100-125 पॉइंट्स होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे, मतलब क्योंकि कुछ लिखो मत, जितना यहाँ पे है ना ये पीपीटी तुम्हें मिल जाएगी, इसको बार बार शेयर करते रहना, देखते रहना, सारी चीजें हो जाएंगी अच्छे से, इसको एक एक चीज को समझो। ओके, अगेन, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के बारे में आप सबने सुना होगा, ठीक है, जो आईएएस आईपीएस का रिक्रूटमेंट जो बॉडी करती है उसे हम क्या बोलते हैं, यूपीएससी बोलते हैं। तो उसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, चार ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे एग्जाम्पल दीजिए, यूपीएससी होगा, और संवैधानिक संस्था कौन सी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ,
फाइनेंस कमीशन, ये सारी संवैधानिक संस्थाएं, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, ये सारी संवैधानिक संस्थाएं। तो जितनी भी संवैधानिक संस्था है वहां पे अपॉइंटमेंट ऑन पेपर कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये बात अलग है कि प्रेसिडेंट इज नॉट अप्लाइंग हिज माइंड, प्रेसिडेंट इज एक्टिंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम एंड सीओएम। तो पीएम एंड सीओएम उनको एडवाइस देते हैं भाई इसको अपॉइंट कर दो, और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आए सेंटर की, वहां पे अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट, और जो स्टेट के आएंगे वहां पे अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर। तो कभी अगर फंस जाओ ऐसे में आंसर क्या मारना है आपको पता है। सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी। इसी तरीके से हमारे देश में बहुत सारी स्टेट वाली बॉडी है, ठीक है, बहुत सारी स्टेट वाली भी बॉडी, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यहां पे यू से मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनियन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनियन? यूनियन का मतलब है यहां पे सेंट्रल, ठीक है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज द पंचायती राज, इन विच स्टेट वॉज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है पहली बार किस राज्य में इंट्रोड्यूस्ड हुआ? बोलो, ये पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हुआ है आपके राजस्थान में, ठीक है। कुछ नहीं है एग्जाम इंटरव्यू से, थोड़ा सा अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, हमारे देश में टॉप लेवल पे वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट लेवल पे देखोगे हमें क्या पता चलेगा? वी हैव अ स्टेट गवर्नमेंट। इससे अगर आप नीचे जाएंगे तो लोकल लेवल पे हमारे देश में कौन सी सरकार है? पंचायती राज सरकार है, ठीक है। अगर आप इसको डिटेल से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन विच स्टेट। ओके, इसका आंसर है पहले राजस्थान, अब इसको समझिएगा ये पूरी दिक्कत क्या थी। हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बी आर अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि विलेज लेवल पे ज़्यादा पावर आए, और गांधी जी ये चाहते थे कि पंचायती राज सिस्टम आए। तो दो लीडर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थी। तो यहाँ पे रास्ता क्या निकला कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मैंडेटरी नहीं किया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मैंडेटरी नहीं किया, तो हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कहाँ पे डाला? हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डाला आपके डीपीएसपी में। अब डीपीएसपी क्या है? पहले के ये एमसीक्यू वाली सीरीज में हम इसको कर चुके हैं। डीपीएसपी वो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाहते थे उनको इम्प्लीमेंट करना, बट हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जिन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे और हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उनको हमने कहाँ पर डाल दिया? डीपीएसपी में डाल दिया। अब सुनिएगा, डीपीएसपी का मतलब है ये आदर्श चीजें हैं, सारे राज्य को इन सबको इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब मानिए कि ज्यादातर राज्यों ने नहीं किया, क्योंकि देखिए अगर कोई भी राज्य अपने यहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर रहा है तो उसको अपनी पावर कम करनी पड़ेगी, और पावर किसको देनी पड़ेगी? पंचायती राज सिस्टम को उसको पावर देनी पड़ेगी। अब बहुत सारे राज्य इस बात के लिए एग्री नहीं थे, कुछ राज्य इस बात के लिए एग्री थे। तो यहां पे पहला राजस्थान ऐसा राज्य बना जिसने अपने यहां पे क्या क्रिएट किया? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके बाद तुम देखोगे 30-40 साल की हिस्ट्री है, बहुत सारी कमेटी बैठी रही, कमेटी के ऊपर कमेटियां बनी। अब सुनिएगा, बाद में केंद्र सरकार ने जब बहुत सारे राज्यों ने पंचायती राज को अपने आप लागू ही नहीं किया, तो इन्होंने क्या स्मार्ट डिसीजन किया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा उन्होंने पंचायती राज को किस में लागू कर दिया? संविधान में डाल दिया, और सभी राज्यों को एक साल का टाइम दिया। अब सभी राज्यों के पास एक साल का टाइम है, उस एक साल के अंदर में उन्हें क्या लागू करना होगा? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपने राज्य में, और उन्हें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपने साल में लागू करना होगा। और आप देखोगे फिर अगले एक साल के अंदर सभी राज्यों ने पंचायती राज सिस्टम को लागू कर दिया, ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम से आपको याद रखना है, पहला राज्य राजस्थान था, और संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा ऐड किया गया? 73rd के द्वारा ऐड किया गया। और आज जिस डेट को ये लागू हुआ था 24 अप्रैल, उस डेट को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? एज अ नेशनल पंचायती राज डे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। अब आप पढ़िएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच में कितना मैक्सिमम गैप होता है? एनीवन? 6 मंथ, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अब इसके बारे में देख लीजिएगा। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि एमपीज को कब आना है, साल में कितनी बार आना है, डेली आना है, महीने में आना है, या 6 महीने में आना है, या 2 साल में आना है। बस एक लाइन लिखी हुई है कि पार्लियामेंट के जो भी दो सेशन हो, एक सेशन जो खत्म हो और दूसरा सेशन जिस दिन स्टार्ट हो, उस सेशन के बीच में ज्यादा से ज्यादा कितना गैप हो सकता है? 6 महीने का गैप हो सकता है। तो बट हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस थे ट्रेडिशनली एक ट्रेडिशन के दौरान वो साल में 3 बार मिलते हैं। पहली बार वो जिस सेशन में मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं?
बजट सेशन ये आपका जनवरी से स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल तक चलता है। दूसरी बार जिस सेशन में मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉनसून सेशन। और तीसरी बार ये जिस सेशन में मिलते हैं उसको क्या है, विंटर सेशन। कभी अगर ऐसा हो जाए, अभी आपने देखा होगा सरकार ने एक स्पेशल सेशन बुलाया, ठीक है ना, अभी चल रहा है अक्टूबर, सितंबर में सरकार ने एक स्पेशल सेशन बुलाया। तो इन तीन सेशंस के अलावा भी अगर सरकार को कोई स्पेशलाइज लॉ पास कराना है या सरकार को कुछ लगता है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कोई स्पेशल सेशन बुला सकती है, ठीक है। तो अब आपको अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नहीं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, डन, ठीक, ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस, ओके। नाउ कांग्रेस वही पॉलिटिकल पार्टी है आज राहुल गांधी वाली, एंड अगर आप देखोगे आज तो शायद ये एक विचारधारा की पॉलिटिकल पार्टी है या जो भी है। आज़ादी के समय जो भी देश अंग्रेजों से, जो भी हमारे देश के लोग अंग्रेजों से आज़ादी चाह रहे थे, तो पहली जो पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसने देश के फ्रीडम फाइटर्स को रिप्रेजेंट किया वो कौन थी, आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, मास लेवल की पॉलिटिकल पार्टी थी। अब हमारे देश में आज़ादी का आंदोलन सिर्फ नहीं था, आज़ादी का तो आंदोलन था, सोशल रिफॉर्म का भी आंदोलन था, वुमेन एम्पावरमेंट का भी आंदोलन था। तो आप भी तो ये जानना चाहेंगे ना, उस समय हमारे देश में वुमेन की स्थिति क्या थी, क्या वुमेन राजनीति में थी, और राजनीति में थी क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की हेड भी थी, तो बात सही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहली जो प्रेसिडेंट बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो दिस लेडी एनी बेसेंट। अब याद रखिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनती है वो एक भारतीय लेडी नहीं थी, वो कहाँ से थी, आपकी आयरलैंड से थी, उन्होंने आके इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट चलाया, और इसके बाद में फिर आपकी बनती है सरोजनी नायडू। तो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, एंड हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, सरोजनी नायडू, ठीक है, ओके। ये कहाँ का लग गया, ओहो क्वेश्चन गया था, ओके चलो, ये क्वेश्चन मुझे याद है, ये फोटो थोड़ा ऊपर आ गया। 49वां क्वेश्चन ये था कि भारत का जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ वो किस ईयर में हुआ। तो भारत का पहला जनरल इलेक्शन आपका हुआ था 1951 में, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एंड दिस इज दी लाइक दी इमेज। अब ये इमेज आपको दिखा दिया ना, देखिए बंदा काइंड ऑफ प्रॉपरली चल भी नहीं पा रहा है लेकिन ये वोट डालने जा रहा है। उस समय हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने देखिए उनका ड्रीम क्या होगा कि आज हम लड़ रहे हैं, देश को आज़ाद करेंगे, और उसके बाद हमारे देश के लोग वोट डालेंगे और वो वोट डाल के सरकार बनाएंगे। लेकिन आज आपको जान के हैरानी होगी, हमारे देश में 2017 के जनरल इलेक्शन में अगर 100% वोटर्स हैं उसमें से कितने लोग वोट डालने जाते हैं, 67% बस। 2014 में 66 गए थे, लगभग 30% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको सरकार चुनने का अधिकार है लेकिन वो लोग अपने उस सरकार चुनने के अधिकार को यूज़ भी नहीं करते हैं, जस्ट इमेजिन। और उस समय देखिएगा लोग फिजिकली चल भी नहीं पा रहे हैं फिर भी वोट डालने जाते थे, आधे लोग आज की डेट में हॉलीडे प्लान कर लेते हैं। तो दैट वाज द चेंज, तो यू शुड नो दिस फैक्ट, पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था, 1951 में। ओके नाउ, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट भी है, यहां पे एक टर्म है, पॉइंट को आएंगे, इंडिया और श्रीलंका के बारे में पूछा गया है, और ये पूछा गया है दी इंडिया श्रीलंका कॉमर्शियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वॉज साइंड इन। तो पहला यहां पे पूछा गया है इंडिया एंड श्रीलंका के बारे में, दूसरा है इनका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था FTA था वो कब साइन किया गया। तो पहला है दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड श्रीलंका, दूसरा उनका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कब साइन हुआ, ठीक है। ओके नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज अ FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। ओके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बताइए क्या है, कोई बताना चाहे, एनीवन, कुछ तो गैस मारो थोड़ा बहुत, ट्राई करो, ट्राई टू आंसर इट। यार किसी ने भी किया हो जस्ट गिव मी द आंसर, होता क्या है, व्हाट इज FTA, इस बच्चे ने थोड़ा सही आंसर दिया है। चलो मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं। अच्छा ये जो आप एग्जांपल के द्वारा सुनते हो चीजें समझ में आती है, मतलब बहुत सारे लोग तो पहले से समझ रहे हैं जो पहली बार सुन रहे हैं। ओके यहाँ पे एक एग्जांपल सुनिएगा, ये है द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट ऑफ US डोनाल्ड ट्रंप एंड मोदी जी हमारे। तो ये एक स्टेटमेंट थी बिजनेस टुडे में थी, सुनिएगा, और अभी की है नहीं 2019 की है, चलो ये बाद में भी अभी तक भी न्यूज़ में थी। डोनाल्ड ट्रंप सेज
50% इंपोर्ट टैरिफ ऑन हार्ली डेविडसन बाय इंडिया इज अनएक्सेप्टेबल। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि भाई भारत, जब डोनाल्ड हार्ली डेविडसन की बाइकें इंडिया में मंगाता है, कितना टैरिफ लगा देता है? 50%, वो अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है ना, हार्ली डेविडसन ने अमेरिका से अपनी बाइक बना के बेची 5 लाख की, भारत ने आते के साथ उस पर कितना टैक्स लगा दिया? 50%। वो इंडिया में एंटर होने के बाद कितने की हो गई? 7.5 की। अब अगर हार्ली डेविडसन के रेट बढ़ गए तो उसकी सेल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला इंडिया से कि भाई आप टैरिफ को कम कीजिए, 50% मत कीजिए, कम कीजिए, सो दैट हार्ली डेविडसन ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका में मोटरसाइकिल बना के कहाँ पे बेचे? इंडिया में बेचे। बट हमने कम नहीं किया। अब सुनिएगा, यानी कि दो देशों के बीच में जो भी ट्रेड होती है वो पूरी तरीके से फ्री नहीं है। हर देश उस पर क्या लगा देता है? टैरिफ लगा देता है, कोटा लगा देता है। बट कुछ देश मिलके आपस में क्या तय कर लेते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अगर हम अमेरिका के साथ FTA साइन कर लें तो फिर हार्ली डेविडसन जब यहाँ पे आएगी तो उस पर टैक्स कम लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है, तो इस FTA के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दी इंडिया श्रीलंका कॉमर्शियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वॉज साइंड इन, किस साल में साइन हुआ था? तो उसका आंसर क्या है? 1998 में साइन हुआ था। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो FTA था दैट वॉज साइंड इन 1998। सो दिस इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये मतलब नहीं है कि सारी चीज़ें फ्री हैं, 0% टैरिफ है, नहीं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है? आइडिया होता है कि हम टैरिफ कम करेंगे, सारों पे कम करेंगे, लेकिन इनिशियली ऐसा हो सकता है कि कुछ पे ही कम किया। ठीक है ना, आइडिया फ्री ट्रेड का ये है कि एक दिन ऐसा होगा इन दोनों देशों के बीच में सभी प्रोडक्ट पे टैरिफ जीरो होगा, लेकिन इनिशियली ऐसा हो सकता है कि वो जीरो ना हो, बट पहले से कम होगा। फ्री ट्रेड से पहले 20 था, इंडिया ने बोला मैं 5 कर देता हूँ पर 20 ही प्रोडक्ट पे करूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया और श्रीलंका का FTA कब हुआ था? तो 1998 में हुआ था। और आप याद रखिए, इंडिया और US के बीच में कुछ प्रोडक्ट के टैरिफ को लेके, बढ़ाने को लेके थोड़ा सा पॉइंट चल रहा है। ठीक है, ओके, नाउ हु वॉज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? तो हमारे देश में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अभी भारत छोड़ो आंदोलन वाला मैं इस पर्टिकुलर सीरीज में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाला जो आप वीडियो देखोगे उसमें मैंने अच्छे से ये एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान में हमारे वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट मैन। और ये थे 1936 से 1944 तक। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इस दौरान बहुत कुछ हुआ, अगेन वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, इंडिया में कुछ ऑफर आते हैं, हम क्विट इंडिया मूवमेंट करते हैं, हमें आज़ादी मिलती है, जापान ब्रिटेन पे अटैक करता है, अमेरिका पे अटैक करता है, फाइनली अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब चला देता है जापान पे। तो ये पूरा मूवमेंट है, पूरा मैंने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है, यू कैन वॉच इट। ओके, सो हु वॉज द अदर कांग्रेस लीडर हु ज्वाइन द मोतीलाल नेहरू टू स्टार्ट द स्वराज पार्टी? अब सुनिएगा, आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि 1923 में हमारे देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी होगी, और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? स्वराज पार्टी। अब यहाँ पे पूछा गया, स्वराज पार्टी के एक लीडर तो थे मोतीलाल नेहरू, दूसरे लीडर कौन थे? दूसरे लीडर के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आते हैं, देखते हैं इसको अगेन। अब सुनिएगा अगेन, इसका बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। गांधी जी हमारे देश में आते हैं, और आने के बाद 1915 में गांधी जी आते हैं, और गांधी जी के आने से पहले ही बहुत बड़ी हाइप थी, ये बंदा अफ्रीका में जाता है और अफ्रीका में अफ्रीकन्स के राइट के लिए लड़ता है और अंग्रेजों को झुका देता है और अपनी डिमांडें पूरी कर लेता है। अब जब गांधी जी इंडिया में आए तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनको अप्रोच किया कि सर आप ज्वाइन करेंगे या नहीं, तो गांधी जी का एक फर्म डिसीजन था कि पहले मैं 1 साल इस पूरे देश का भ्रमण करूंगा, पूरे देश को घूमने के बाद देन आई विल डिसाइड कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूंगा। इसी दौरान गांधी जी 3 छोटे छोटे रीजनल आंदोलन करते हैं, चंपारण करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह करते हैं, और आपका अहमदाबाद मील स्ट्राइक करते हैं। ये 3-4 छोटे छोटे आंदोलन होते हैं। इसके बाद फिर एक और अनफॉर्चुनेट इवेंट था, अंग्रेज एक काला लॉ लेके आ जाते हैं, रॉलर एक्ट लेके आ जाते हैं। रॉलर एक्ट में क्या होता है, पुलिस को ये राइट दे देते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी ट्रायल, 2 साल तक बिना किसी केस के आप लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, आपका केस नहीं चलेगा, ट्रायल नहीं चलेगा, 2 साल तक आपका ट्रायल नहीं चलेगा, पुलिस ने आपको अरेस्ट करके रखा हुआ है। आज की डेट में पुलिस कोर्ट के सामने ले जाने से पहले कितने समय तक आपको अरेस्ट करके रख सकती है? 24 घंटे। 24 घंटे के बाद पुलिस को आपको जुडिशरी के सामने ले जाना पड़ता है, उस दौरान ये 2 साल कर दिया। तो गांधी जी उसके अगेंस्ट भी एक मूवमेंट चलाते हैं,
और सत्याग्रह करते हैं अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, उस सत्याग्रह में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है आएंगे, उसके बाद में गांधी जी आपका स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी की आइडियोलॉजी ये थी कि हम सारे देश के लोग हेल्प कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को इस देश को चलाने में, तभी वो हम पे रूल कर पा रहे हैं। अब आप एक चीज बताइए, जिन लोगों को हमारी भाषा नहीं आती थी वो हम लोगों से बात कैसे करते थे, उन लोगों के ड्राइवर कौन होते थे? इवन ब्रिटिश जो आर्मी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, उसकी लगभग आपकी 70-80% स्ट्रेंथ कौन था? हम इंडियन लोग थे। हम इंडियन लोग उनके ऑफिस में काम करते थे, उनकी कारों को चलाते थे, सारे लोग तो हम ही थे। इवन हम बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करके ब्यूरोक्रेट भी बनते थे। तो गांधी जी का मानना यह था, अगर भारत के सभी लोग अंग्रेजों के साथ कॉपरेट ना करें, सारे लोग अगर अपनी नौकरियां हैं या सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के अलग बैठ जाएं, तो अगले एक साल के अंदर में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ जाएगा, इस देश को छोड़ के जाना पड़ जाएगा, क्योंकि इंडियंस के कॉपरेशन के बिना वो इस देश पे रूल नहीं कर सकते। यानी कि ये बात भी सही है कि अंग्रेजों ने तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, लेकिन बहुत सारे हम ही लोग थे जो अंग्रेजों की बातों में आ गए और अंग्रेजी सिस्टम को हमने सपोर्ट किया। अगर भारतीय लोग अंग्रेजी सिस्टम को सपोर्ट ही नहीं करते तो शायद वो हम लोगों पर रूल नहीं कर पाते। तो गांधी जी क्या मूवमेंट लेके आते हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि भाई कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों को इस देश को चलाने में हेल्प नहीं करेगा। अब एक साल तक तो लोग एक्साइटेड होते हैं, अच्छे से काम करते हैं, जॉब भी छोड़ के आगे, इवन बहुत सारे स्कूल के बच्चे स्कूल छोड़ के आ जाते हैं, कॉलेज छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि दैट कॉलेज वॉज रन बाय ब्रिटिश पीपल। ठीक है ना, आज की डेट में अगर आप बोलो प्रधानमंत्री ये बोले कि कोई भी बोले, तो आज की डेट में लोग फॉलो नहीं करते हैं, उस टाइम पर देखिएगा लोग कितना फॉलो करते थे। ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब सुनिएगा यहां पे क्या हुआ, गांधी जी के किसी भी आंदोलन का एक मेन प्रिंसिपल यह है कि नॉन वायलेंस होगा, आप किसी भी केस में वायलेंस नहीं कर सकते, अगर आपने वायलेंस किया तो फिर तो खत्म है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे एक इंसिडेंट हो जाता है और यहां पे बहुत सारे लोग मिलके एक पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं और कुछ 22-23 पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद चौरी चौरा ये एक इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी अपने मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। तो यू शुड नो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होता है किस इंसिडेंट के बाद, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, गोरखपुर में ये है। अब इसके बाद क्या होता है सुनिएगा, यहाँ पे दो और आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन खत्म कर दिया है, कांग्रेस अगेन दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक ग्रुप ये बोलता है कि अब हम कॉपरेट तभी करेंगे जब ये देश आजाद हो जाएगा, हमारा आंदोलन तो खत्म हो गया लेकिन हम वापस जिन पोस्टों पे थे ज्वाइन नहीं करेंगे, हम नॉन कॉपरेशन रखेंगे कब तक, जब तक ये देश आजाद ना हो जाए। एक दूसरा ग्रुप ये बोल रहा था कि भाई आंदोलन खत्म हो गया लेकिन जो तुम में से बहुत सारे लोग मंत्री हो, तुम में से बहुत सारे लोग यहाँ की संसद का पार्ट हो, तो जाइए असेंबली में जाइए, वहां पे बैठ के अंग्रेजों का विरोध कीजिए, बाहर रहने से कुछ नहीं होगा। तो कांग्रेस के दो ग्रुप बनते हैं, एक बोलता है नॉन कॉपरेशन कंटिन्यू रहेगा, दूसरा ये बोलता है कि हम आजादी की लड़ाई ब्रिटिशर्स के सिस्टम में बढ़ के वहां पे लड़के करेंगे। तो यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा था, वो था आपका स्वराज पार्टी वाला, इन लोगों ने बोला हम सिस्टम में जाएंगे, पार्ट बनेंगे और उस पार्ट बन के वहां पे हम विरोध करेंगे। तो इसमें एक तो आपके लीडर कौन थे, मोतीलाल नेहरू। और यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मोतीलाल नेहरू ये बोल रहे थे कि हम सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में जाके विरोध करेंगे, और उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू वो किस साइड खड़े थे, वो नॉन कोऑपरेशन की साइड खड़े थे। तो यहाँ पे देखिएगा बाप और बेटा दोनों अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में खड़े थे। तो यहाँ पे इनके साथ ही कौन थे, स्वराज पार्टी के तीन मेन लीडर हैं जो आपके मोतीलाल नेहरू हुए, सी आर दास हुए और अजमल खान हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, ये लोग कौन थे, स्वराज पार्टी के मेंबर थे। ठीक है, चौथा फैक्ट एक और है, इस दौरान जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तभी इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक की डेथ होती है, और पहले नेशनलिस्ट लीडर थे आपके, नेशनल लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, जिनको पूरा देश जानता था, जिनके बोलने पे हजारों लाखों की भीड़ आ जाती थी, पहले ऐसे लीडर थे बाल गंगाधर तिलक। तो अब नॉन कॉपरेशन को लॉन्च करने के लिए वी नीड पैसे चाहिए थे, तो गांधी जी एक फंड लॉन्च करते हैं, तिलक स्वराज फंड, तिलक और तिलक का जो स्वराज था, स्वराज मैं भी उसी के लिए लड़ रहा हूँ, और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी किसी के लिए है, स्वराज के लिए, तिलक वाले स्वराज के लिए। तो दे हैव लॉन्च अ तिलक स्वराज फंड और इसका एक टारगेट रखते हैं 1 करोड़ का। अब यह याद रखिए 1921 में, आज से 100 साल पहले, तिलक स्वराज फंड में जो 1 करोड़ का टारगेट था वो पूरा हो जाता है। नाउ जस्ट इमेजिन उस टाइम का 1 करोड़ आज का कितना है, आज का अगर आप कोई भी इंडेक्सेशन लगाएंगे मुझे नहीं लगता कि वो 10,000 करोड़ की कैटेगरी में होगा। ठीक है, एंड उस टाइम पे यूपीआई नहीं था, उस टाइम पे गूगल नहीं था,
उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक लाइव नहीं था कि गांधी जी फेसबुक लाइव में आके बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में आके बोल रहे हैं। जस्ट इमेजिन 24/7 न्यूज़ चैनल नहीं थे, रेडियो भी इतना इफेक्टिव नहीं था, प्रिंट मीडिया की भी, न्यूज़पेपर की रीच बहुत लिमिटेड थी, लेकिन विद इन अ सेट टाइम इसका पूरा का पूरा टारगेट पूरा कर लिया गया। जस्ट इमेजिन उस समय लोग कितने नेशनलिस्ट थे, कितने अपने देश को लेके प्यार करते थे और अपनी वेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते थे। ठीक है, तो सारा ये समझ में आ गया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमें समझ में आया, उसके बाद चोरी चोरा इंसिडेंट, देन ये तिलक स्वराज फंड, एंड देन इसके मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास। सी आर दास फुल फॉर्म क्या है? चित्तरंजन दास। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश द प्रीवी पर्स एंड प्रिविलेज ऑफ द फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो सुनिएगा, अब हमारे देश के जितने भी राजा महाराजा थे, इनको पहले तो टैक्स ही लेते थे, तो जब हम इनको अपने देश में लेके आए तो हमने बोला हम आपको एक कंपनसेशन दे देंगे। उस कंपनसेशन को क्या नाम दिया गया? प्रीवी पर्स। कि मान लीजिए मिला जुला के आपका टैक्स इतना आ रहा है, हम आपको इतने पैसे हर महीने दे देंगे। तो राजा महाराजाओं को भारतीय सरकार पैसे देती थी, बट एक दिन ऐसा आता है इंदिरा गांधी 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1977 में रातों रात न्यूज़पेपर में हेडिंग आती है और लोकसभा बिल पास कर देता है जिसमें पुराने जो राजा महाराजा इनका प्रीवी पर्स खत्म हो जाता है। तो उसके बाद सरकार इनमें से किसी को भी कोई भी कंपनसेशन देने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए आप देखोगे ना, अब वो लोग क्या होटल चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, ओके, 54 पढ़िएगा इसको, एक मिनट इसको पढ़ो, मुझे भी थोड़ा वॉइस रेस्ट मिल जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये वोटिंग वाला ही है। ठीक है, अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है। पहले तो अमेंडमेंट एक्ट समझ में आता है, भाई हमारा जो संविधान है आप उसको बदल सकते हो, और जब हम उसको बदलते हैं उसको बोलते हैं संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, अब तो हम सेंचुरी से ज़्यादा लगा चुके हैं। तो ये हम किस संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं? 61वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। 61 संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार में से हमने क्या किया गया? तो यहाँ पे हमने क्या किया गया है, एज को रिड्यूस किया गया है। पहले एज 21 थी, फिर कितना कर दिया? 18 कर दिया। ये सिंपल सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जरूरत कुछ नहीं थी, लग रहा था आज की डेट में आपको नहीं लगता कि 17 साल के बच्चे भी आर मोर मैच्योर देन, लग रहा है नहीं लग रहा है आजकल की? तुम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो मतलब 10 साल पुराने वाली जनरेशन है वो जितना, या आप ही देख लो ना, आप में से जो 23-24 साल के हैं, तुम्हें लग रहा है जितनी मैच्योरिटी तुम्हें 20-21-22 साल में थी उतनी आज 16-17 साल के बच्चे को है, इवन कुछ केस में ज़्यादा है। ठीक है ना, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने से, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का एक्सेस होने से लोगों की जो समझ है, जो मैच्योरिटी है, वो कम एज में ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिल रहा है। आप लोगों को कहाँ इतना एक्सपोजर था अपने जब आप 10 साल के थे कि आप चेक कर पाएं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका के लोग कैसे रहते हैं? आज तो ये सारे टूल्स हैं ना आपके पास, यू कैन चेक दिस थिंग्स। आपको याद रखिए, आप में शायद बचपन में आपको कोई प्रॉब्लम लगी होगी और उस टाइम कोई गूगल जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। गूगल होगा भी तो चलो ना, गूगल होगा भी क्या बोलेगा? आप कोई चीज़ जानना चाह रहे हो उसका एक रिटन में रिसर्च पेपर आ जाएगा, यूट्यूब तो नहीं था। आज आप कोई भी प्रॉब्लम जानना चाह रहे हो कि एयरक्राफ्ट कैसे बनता है, उसकी भी यूट्यूब पे वीडियो है। एयरक्राफ्ट के प्रिंसिपल क्या है उड़ने के, उसकी भी एक यूट्यूब वीडियो है। तुम अपने घरों के इक्विपमेंट को इक्विपमेंट की हेल्प से कैसे डायनेमिक चेक कर सकते हो, उसकी भी यूट्यूब पे वीडियो है ना। तो तुम जो पतंग उड़ाते थे, आज वो सारे बहुत सारी चीज़ें बनाने की यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी है। नेक्स्ट जनरेशन को शायद और ज़्यादा इजी ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये बात थी, हमें लगा कि 18 पे लोग सही में चौ, जैसे एक अभी चल रहा है पॉस्को में चल रहा है, कंसेंटेज को हम कम करें। ठीक है, ओके, द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, ये SSC में क्वेश्चन आया 2010 में, बहुत पुराना है ये, मॉनेटरी पॉलिसी वाला कई बार आया हुआ है। सुनिएगा पहले मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति हमारे देश में कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुन लेना है, मौद्रिक नीति होती क्या है, किसी भी देश में कितना पैसा सर्कुलेशन में होना चाहिए, सर्कुलेशन में जितना पैसा है कितने के नोट होने चाहिए, वो पैसा कम हो या ज्यादा हो उसको बढ़ाएं या कम करें, इन सब पॉलिसी डिसीजंस को लेने वाली जो बॉडी है वो है RBI, और इनकी पॉलिसीज को हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक पॉलिसी।
ठीक है। तो आरबीआई को लगता है कभी कैश कम है तो कैश को बढ़ा दो, कभी कैश ज्यादा है तो कैश को कम कर दो। ये होता किसकी मदद से है? ये ब्याज की दर की मदद से होता है, इंटरेस्ट रेट की मदद से होता है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कई बार कि क्यों आरबीआई बार बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या घटाता है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या घटाने से हमें क्या मिलता है? तो जब भी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हो जाता है? कैश फ्लो कम हो जाएगा, और जब भी आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे कैश फ्लो बढ़ जाता है। इसलिए आप देखिएगा, जैसे ही हमारे देश में अनलॉक स्टार्ट होता है 2020 से, उस समय डिमांड नहीं थी, लोग खर्च नहीं कर रहे थे, हमने ब्याज की दरें कम करी, देश में कैश बढ़ा, ज्यादा खरीदारी स्टार्ट हो गई। और 2021 लास्ट और 22 आते आते तो देश में इतना कैश फ्लो हो गया, प्लस तेल बढ़ेगी, महंगाई हो गई, दोबारा से फिर आरबीआई ने ब्याज की दरें बढ़ाई। तो आप में से बस इतना याद रखिए कि आरबीआई बार बार ब्याज की दरों को क्यों छेड़ता है, बढ़ाता है, कम क्यों करता है? कैश को कंट्रोल करने के लिए। कैश से क्या कंट्रोल होता है? महंगाई कंट्रोल होती है। अगर ज्यादा कैश है, ज्यादा पैसा देश में आ रहा है, लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, बन इतना पाता नहीं है, क्या हो जाती है? महंगाई हो जाती है। तो महंगाई और देश में पैसे के फ्लो के नियंत्रण की पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? मॉनिटरी पॉलिसी। और ये कौन करता है हमारे देश में? आरबीआई करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट इंडिया इज फॉलोइंग अच्छा, हम किस एक्सचेंज रेट को प्रैक्टिस करते हैं? अब पहले एक्सचेंज रेट समझिए। जब भी कोई विदेशी व्यक्ति $1 लेके आता है, उस $1 में उसको कितने रुपए मिलते हैं? इस कन्वर्ट होने की चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट ये कई तरीके से हो सकता है। जैसे आप देखिएगा, ये अच्छा सा एक फैक्ट है, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इनिशियली 2003-04 के आसपास 45 था, $1 में 45 मिलते थे, 40 मिले, 35 भी मिले 2007 के आसपास, फिर 50 मिले, 60, 70, 75, अब 2022 में कितना आ गया? 80 के आसपास आ गया है। अब $1 में जो व्यक्ति आता है उसे कितने मिलते हैं? $80 के आसपास मिलते हैं। तो ये एक्सचेंज रेट है। अब एक्सचेंज रेट कई तरीके से निर्धारित होता है। यहाँ पे हमारे देश में पूछा गया है कौन सा एक्सचेंज रेट चलता है, तो पहले हमारे देश में फिक्स होता था। फिक्स का मतलब है सरकार तय करेगी, सरकार ने बोला कि $1 में $30 मिलेंगे, 30 ही मिलेंगे। लेकिन बाद में 1991 के बाद हमने तय किया, फ्लेक्सिबल तय किया, जहाँ पे मार्केट फोर्स तय करती है, डिमांड और सप्लाई तय करती है। ये काम कैसे करता है? मॉनेटरी पॉलिसी में हम पढ़ेंगे कभी, बट याद रखिएगा हमारे देश में भी कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये किसने कॉइन किया है? कीन्स ने किया है, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, डी। 57 है माइक्रो, ये दो रिपीट हो गया क्या? अच्छा नहीं, हिंदी में। देन 58, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड, जब किसी भी देश में बहुत ज्यादा महंगाई हो तो उस देश में टैक्स रेट हम कैसे रखें? किसी भी देश में अगर बहुत ज्यादा महंगाई है, पैसा बहुत ज्यादा है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, हालांकि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टैक्स रेट को कंट्रोल करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी सरकारें करती हैं। तो अगर किसी भी देश में लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है जिससे महंगाई हो रही है, तो आप टैक्स रेट क्या करोगे? सुनिएगा, महंगाई इसलिए है क्योंकि लोग मांग ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। मांग इसलिए ज्यादा कर रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, तो तुम्हें इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लोगों के हाथ में जो पैसा है उसको कंट्रोल करना है। तो तुम लोगों के हाथ में जो पैसा है उसे बढ़ाओगे या कम करोगे? कम करेंगे, और कम कब होगा? जब सरकार टैक्सेस को बढ़ा देगी। तो इस केस में सरकार क्या करेगी? टैक्सेस को बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब अगर ये राइट पे क्वेश्चन है, अगेन ये भी एसएससी में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद राइट टू इक्वालिटी। हमारे देश में समानताओं के अधिकार है ना, आर्टिकल 14 भी समानता का है, 15वां भी, 16वां भी, 17वां भी, 18वां भी, यहाँ पे ग्रुप दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन सा ग्रुप हमारे देश में समानता का अधिकार देता है? तो कौन सा ग्रुप है? आर्टिकल 14 से 18 वाला, ठीक है। ये पांच अधिकार है, पांचों अधिकार के बारे में जो हमने पॉलिटी पढ़ी थी, डिटेल से पढ़ा है, और धीरे धीरे करके एक एक, तो यहाँ पे देखिए कई बार ये सिंपल भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। ये 2012-13 वाला टाइम था, आज अगर आप देखते हो ना तो एक एक आर्टिकल में घुस के पूछते हैं 17 किस बारे में बात कर रहा है, 18 किस बारे में बात कर रहा है, तो यू शुड नो। और ये 19 से 22 वाला ग्रुप कौन सा है? फ्रीडम, बोलने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, जीने की आजादी। 25 से 28 वाला धर्म वाला है, किसी भी धर्म को मानने की आजादी। 23-24 वाला शोषण ना हो, बच्चों का शोषण ना हो, ठीक है, चाइल्ड लेबर ना हो। लास्ट क्वेश्चन आज का, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हालांकि अभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, बट इसको फिर भी बताइएगा क्या है।
एक मिनट का पूरा टाइम लो, फिर बताओ, जल्दबाजी नहीं करनी है। आज बड़ा जल्दी खत्म हो गए, पिछली बार में 20 में बड़ा टाइम लगा था। सोच के बताओ क्या आंसर है इसका। जी बच्चा हुआ, क्या आंसर आया इसका? इन्फ्लेशन रिडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम एंड वेल्थ इन फेवर ऑफ। इन्फ्लेशन क्या करती है? इन्फ्लेशन हिंदी में समझ में आया महंगाई। रिडिस्ट्रीब्यूट करती है, रिडिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया ना, किसी से लेना और किसी को देना, इसको हम क्या बोलते हैं? रिडिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, सरकार का अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेना रिडिस्ट्रीब्यूशन। आप देखिए ना, एक व्यक्ति 5 लाख कमा रहा है, सरकार कम टैक्स ले रही है, 10 कमा रहा है 20 लेगी। एक व्यक्ति 30 लाख कमा रहा है, सरकार 30% टैक्स लेती है। तो जितना तुम्हारी इनकम बढ़ेगी उसका ज्यादा हिस्सा सरकार टैक्स ले लेती है, और उस टैक्स के पैसे को लेके गरीब लोगों के लिए सब्सिडी दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी, फ्री शिक्षा दी जाएगी, जो भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? एक पक्ष से लेना, दूसरे को देना। जैसे रॉबिनहुड का नाम सुना होगा ना, अमीर लोगों से लूटता था, गरीब लोगों में बांटता था, तो वो भी क्या हुआ? किसका एग्जाम्पल था? हाँ, वो इलीगल रिडिस्ट्रीब्यूशन था, बट रिडिस्ट्रीब्यूशन था। मान लो तुम भी ऐसे ही बन जाओ रॉबिन, अमीर लोगों के घर में चोरियां करो और सुबह गरीब लोगों को खाना दो, तो तुम भी क्या कर रहे हो? रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने बोला कि महंगाई रिडिस्ट्रीब्यूशन करती है। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन में से जिस पक्ष से लिया जाएगा उसका नुकसान होगा, और जिस पक्ष को मिलेगा उसको फायदा होगा। तो इसने बोला कि रिडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम एंड वेल्थ, किसको, किसके फेवर में देती है, किसको फायदा होता है इन्फ्लेशन से। समझ में आया ना? देखो सुनो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि इन्फ्लेशन से किसको फायदा होगा, लेकिन उन्होंने टर्म रिडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह डाल दिया, वादा बच्चा वहां पे फंस जाएगा। तो बताइएगा किसको फायदा होगा? महंगाई से। अच्छा, इसमें से क्या एग्जांपल दोगे बताओ? अमीर को गरीब को, मिडिल क्लास छोड़ो, अमीर और गरीब है ना मेन। अमीर को फायदा होगा, गरीब को? महंगाई में गरीब को फायदा होगा? गरीबी देखी नहीं है फिर बेटा तुमने, एक बार गरीबी देखो। अमीर को फायदा होगा। सुनिए, महंगाई में हमेशा, अभी महंगाई 10% चल रही है, 15% चल रही है, फ्रूट और वेजिटेबल के रेट बढ़ रहे हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हो जिनकी लाइफ अफेक्ट हो रही है कि सर खाना कम मिलता है, महंगाई है, पहले पेट भर के खाना आता था, तुम्हारी जो थाली में फूड है वो कम हो जाता है, फूड बास्केट कम हो जाती है, फर्क पड़ता है आप लोगों को? पड़ता है? फिर मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से अगर फर्क पड़ता है तो। अब बिल्कुल भी आलू टमाटर के रेट ही नहीं पता कि 200 भी गया था, इसका मतलब है बिल्कुल पैसे की कोई कमी नहीं। तो आप देखिएगा, जिस भी सोसाइटी के पास प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्लास को हमेशा इन्फ्लेशन से फायदा होता है। अब मान लो किसी की शहर में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, महंगाई के रेट बढ़ गए, उसका खर्चा बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 10 लाख खर्चा करता था 12 हो गया, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसका रेंट बढ़ गया। तो हमेशा जो प्रॉपर्टी क्लास है उसको हमेशा फायदा होता है। किससे फायदा होता है? इन्फ्लेशन से। अब आप एक देखिए, गरीब रिक्शे वाला है, महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, लेकिन उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसकी इनकम और प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा महंगाई किसको मारती है? गरीब लोगों को मारती है। इवन इसमें कई सारे कोट हैं, एक दो तो मैं लेके भी आया हूं, जैसे द मोस्ट सिनिस्टर ऑफ ऑल टैक्सेस इज इन्फ्लेशन। ये बोल रहे हैं सबसे खतरनाक टैक्स क्या है? इन्फ्लेशन। अब आप देखिए ना, एक व्यक्ति पहले मान लो 10,000 कमा रहा है, 10,000 में से पहले 9,000 में उसका घर का खाने पीने का सामान आता था, अब वो 10,000 कमा रहा है, महंगाई बढ़ने के कारण 10,000 में भी उसका सामान नहीं आ रहा, 12,000 का आ रहा है, उसको 2,000 का लोन लेना पड़ रहा है, तो वो 10,000 की इनकम उसके लिए क्या पड़ रही है? कम पड़ रही है। तो महंगाई एक टैक्स की तरह है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, 5 मिनट का तुम्हारे पास टाइम है, बैठिए, कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क। ठीक है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, 2 मिनट का टाइम है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट। कोई बात नहीं है, ये वाली तो एक्स्ट्रा क्लास ही है, बाकी जो तुम्हें ये वाली YouTube पे रिकॉर्ड